अस्सलाम दोस्तों, आप कैसे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही होगी। आज हम सीखेंगे कि आप किसी भी वीडियो का बगैर ग्रीन स्क्रीन के उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और किसी भी HD बैकग्राउंड में आप उसको तब्दील कर सकते हैं। आपको किसी भी ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, आप उसका बैकग्राउंड ब्लैक भी कर सकते हैं वीडियो का और आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने उस सॉफ्टवेयर की तरफ। आपको ये सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से आपको कपकेट के नाम से प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, आपने डाउनलोड कर लेना। हम इसमें चलते हैं, ओपन करते हैं कपकेट को। तो थोड़ा वेट करेगा, यहाँ से टाइम लेगा, नेट का थोड़ा इशू है। तो क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने जाना है न्यू प्रोजेक्ट में। तो आपने क्या करना है, आपने आना है अपने प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट में आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको कोई भी बैकग्राउंड चाहिए तो हम लगा लेंगे इसमें। मिसाल के तौर पर मुझे कोई तस्वीर लगानी है तो मैं तस्वीर इसी को बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले आपने, ठीक है। इमेज पे जाते हैं, फ़ोटो पे जाएंगे, वीडियो आ गया था सॉरी, इमेज पे जाएंगे। इमेज पे फ़ोटो पे जाने के बाद हमें कौन सा बैकग्राउंड लगाना है तो हम वो उस वीडियो पे सेट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मुझे ये बैकग्राउंड लगाना है पीछे, तो ये मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इस तरह से ये बैकग्राउंड आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सॉरी और ले रहा है इसको, कि इसको क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। बैकग्राउंड बड़ा करने के बाद अब हमें इस पर वो वीडियो लगानी है जिसका हमने बैकग्राउंड चेंज करना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, इसको हम छोड़ दें, इसको क्लिक करके बंद कर देंगे। अब हमारे पास ये देखें ऑप्शन आ रहा है नीचे, टेक्स्ट स्टिकर्स, उसके बाद आवरली, इसको हम यहाँ रख देंगे। आवरली पे क्लिक करेंगे, आवरली पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा ऑप्शन आएगा ऐड आवरली, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमने जाना है वीडियो पर, सेलेक्ट वीडियो सेलेक्ट करेंगे। अब हमें कौन से वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है, इसके अंदर दो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा प्रॉब्लम कौन सा है। मिसाल के तौर पर ये मैंने 22 सेकंड की वीडियो है, ये मैं उठा लेता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी मैं बताऊँगा आगे। इसको ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसके साइज से, थोड़ा सा इसको हम ऐसे हाथ से बड़ा कर लेते हैं। तो अभी हमने जाना है, इसके नीचे आएंगे, ये लिखा हुआ है डिलीट के साथ में रिमूव बैकग्राउंड, ये डिलीट के साथ लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सिर्फ क्लिक करने की देर है और बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया। तो हम तो अभी इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखो देखो ये बिल्कुल इस तरह हो गया। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये तो बिल्कुल ठीक कट रहा है, ठीक है। इसको गौर से देखें, कहीं से भी लेयर नहीं आ रही, ये इसका बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। अब हम इसको अगर हमें अब हम दूसरी वीडियो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। कट करने के लिए हमें स्प्लिट पे जाएंगे और ये वाला ऐसा हम डिलीट कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पर हम जाएँगे, ये डिलीट कर देंगे। अब मुझे इसी बैकग्राउंड पे मैं आपको एक दूसरी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करके दिखा रहा हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी आपको फिर समझ आएगी। इसको मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा एक कहाँ चला गया, इस पर मैं थोड़ा क्लिक करूँगा और उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँगा, ठीक है। मैंने बड़ा कर लिया, अब मैं इसके ऊपर दूसरी वीडियो रखूँगा। तो ये दोबारा मैं ऐड अर्ली पे जाऊँगा, ये सब कुछ आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आवरली पे जाने के बाद मैंने एक दूसरी वीडियो डाउनलोड की थी जिसके अंदर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, शायद वो यहाँ मिल जाए, लेकिन वो वीडियो यहाँ मुझे मिल नहीं रही है, देखते हैं। चलो मैं ये लगा लेता हूँ वीडियो, ठीक है, ये मेरी वीडियो, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। अब इसका भी मैं बैकग्राउंड रिमूव करूंगा, तो मैं जाकर इसको करता हूं रिमूव बैकग्राउंड पे। दोबारा हम रिमूव बैकग्राउंड पे आएंगे,
ये देखिए इसने हमारा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, अब इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, फिर आपको शायद समझ में आ जाए। थोड़ा बैक करते हैं, थोड़ा सा इसको, ये हमारा जो बैकग्राउंड है ये कम हो गया। इस तरह आप इसको बैकग्राउंड हटा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को बड़ा करेंगे वीडियो की लेंथ तक, ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। ठीक है, यहाँ जाएंगे प्ले करके देखते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं कि ये क्या हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, ये देखिए मेरे सर पर, ये मेरे सर पर कहाँ चला गया, एक मिनट, मेरे जो बाल हैं सर पर उन पर ऊपर वाइट वाइट आ रहा है, क्योंकि ये लाइट प्रॉपर नहीं है। आपको जो भी वीडियो रिकॉर्ड करनी है उसका आपने कम से कम लाइट प्रॉपर रखनी है, उसके बाद आपकी जो है वीडियो का रिमूव, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आप किसी भी HD में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप किसी भी कोई भी बैकग्राउंड उसका 4K में लगा सकते हैं, HD में लगा सकते हैं, ब्यूटीफुल जो आपके फ्लावर होते हैं उसका आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। इस तरह आप किसी भी वीडियो का आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, इसी तरह से आपको अभी किसी भी ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। आपकी वीडियो बिल्कुल, आप वीडियो बनाएँ और उस पर आके कपकेट पर आके वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करें और वीडियो अपलोड करें। तो अभी मैं आपको पूरी वीडियो चला के दिखाता हूँ, तो आपको कैसे ये समझ में आएगी, ये देखें। ठीक है, इस तरह से आपकी वीडियो, इसकी तो ये थर्ड में रिकॉर्डिंग की गई थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको, ये देखें, अभी इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये टिकटॉक की तरह वीडियो बनाई गई है, और देखें आप किस तरह आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम होगा। अब आपने इसको सेव कैसे करना है, यह आपके ऊपर ऑप्शन आ रहा है 720 पर आप इस पर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, यहाँ जाएंगे फॉर्मेट 30 रखना है आपने जी, आपकी उसको लेंथ को बढ़ाएंगे, ये हमारी HD में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप हम इसको HD लिखा हुआ है, इस पर HD भी कर देंगे, और इस पर जाएंगे एयर वाले निशान पर जाएंगे ऊपर वाले पे, इसको क्लिक करेंगे, और ये हम कर देंगे बैकग्राउंड लिख रहा है रिमूविंग बैकग्राउंड एक्सपोर्टिंग योर वीडियो ऑन टू नाउ माई टेक लॉन्गर देन यूजल, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये इस तरह से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा टाइम हो जाए तो मैं आपको फिर वीडियो, ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए तो फिर मैं आपको वीडियो गैलरी में चला के दिखाता हूँ, प्ले करके दिखाता हूँ तो कैसे ये आपको नज़र आएगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं, 100 तक हो जाए तो एक्सपोर्ट हो जाएगी। जी हाँ, हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, अब आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अच्छा उन्ना की पोली तो रे मसाले मुखे तो पोली ने तांगी पोली जरूरत नहीं है। अरे नार इता मान गया तुम जोगरी। ठीक है, तो इस तरह से आपका बैकग्राउंड चेंज, उसको हम डन कर देंगे, आपकी वीडियो तैयार हो गई YouTube के लिए। थैंक यू सो मच।